समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। जबलपुर जिले को नर्मदा की नगरी कहा जाता है, जहां पर कलकल करती हुई नर्मदा और बरगी डैम जहां अथाह जल है, लेकिन इसके बावजूद भी जबलपुर जिले के कई गांव पानी को तरस रहे हैं। अब चूंकि गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है, तो जबलपुर के कई क्षेत्रों में और भी ज्यादा पानी का संकट गहराता जा रहा है, जिसे देखकर यह लगता है कि पानी की त्रासदी आ गई है। ऐसा ही एक मामला नर्मदा नदी से चंद किलोमीटर दूर 14 साल पहले बने जेसूजा सिटी में सामने आया, जहां लोग नर्मदा जल को तरस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके घर पर पानी न आता हो, बिल्डरों ने उनके घर पर बोरिंग कराई है, लेकिन वह बोरिंग भी गर्मी के समय गंदा और दूषित पानी फेंक रही है, जिससे बच्चे बूढ़े सभी बीमार से ग्रसित हो रहे हैं। यहां पर रहने वाले लोग 14 वर्षों से नर्मदा के शुद्ध जल का इंतजार कर रहे हैं। नर्मदा जल पीने के लिए लोग अपने अपने साइकिल रिक्शा लेकर दूर दूर तक भटकने को मजबूर हैं। अधिकारी भी समस्या से लड़ने के लिए सिर्फ कागजों में ही प्लान और बैठके करते रह जाते हैं, परंतु हकीकत कुछ और ही है। और यह सब पूरी गर्मी चलता रहता है, उसके बाद भी लोगों को नर्मदा का शुद्ध जल नहीं मिल पाता। देखिए जनता समाचार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमको फोन करना पहले, ठीक है। मुझे तो यहाँ पर रहते हुए विगत 5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन ये कॉलोनी जो है वो 2010 में इसका निर्माण हो गया था, लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। अच्छा, अभी आप एक बात को कोट करिएगा कि प्रदीप मिश्रा जी एक बड़ा बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हैं, एक अच्छा कोटेशन बोलते हैं, कथन है वो, कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। और वो एक लोटा जल यहाँ किसी व्यक्ति को नसीब नहीं हो रहा है। कौन सा एक लोटा जल? माँ नर्मदा का। बोर का जल है, बोर का पानी आता है, लेकिन बोर के पानी में बहुत समस्याएं हैं। हर व्यक्ति घर में आरओ नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता इस बात को। और आरओ में भी एक ड्रॉबैक होता है कि जितने भी विटामिन मिनरल्स होते हैं वो सारे फिल्टर हो जाते हैं, व्यक्तियों को नहीं मिलते। क्यों? इससे बहुत समस्याएं, दांत भी गिरने की समस्या, हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी आती, बहुत सारी समस्याएं होती है। लेकिन अभी तक हम पिछले विगत 5 वर्षों से देख रहे हैं कि यहाँ पर माँ नर्मदा का जल आएगा नगर निगम के थ्रू, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, हो कुछ भी नहीं रहा है। मेरी आपके माध्यम से सभी नगर निगम से और महापौर जी से, आज उनका जन्मदिवस है तो उनको सबसे पहले बधाई, उनसे हमारा आग्रह है कि यहाँ पर नगर निगम यहाँ पर माँ नर्मदा के जल की व्यवस्था करवाए, नल के माध्यम से सारे व्यक्तियों को जल पहुँचे, हर एक घर में जल आए, ताकि वो जो कथन उन्होंने बोला है कि एक लोटा जल हर समस्या का हल, वो यहाँ पर सिद्ध साबित हो जाए। आपका नाम? मैं अखिल महाराज, मैं माँ नर्मदा महाआरती में शामिल होता हूँ। ये वार्ड नंबर 71 स्थित जसूजा सिटी कॉलोनी है, और यहाँ 2010 से यह कॉलोनी निर्मित हुई है, TNC अप्रूव्ड ये कॉलोनी है। मगर अफसोस की यह बात है कि यहाँ नर्मदा जल के लिए लोग आज भी लालायित हैं। माँ रेवा के तट पर यह वार्ड स्थित है, कुछ ही दूरी पर यहाँ माँ रेवा प्रवाहित होती है, उसके बाद भी इस वार्ड में नर्मदा जल का ना होना बड़े ही अफसोस की बात है। और जो बोरिंग का पानी है, बोरिंग घर घर में बिल्डर ने करके दी, वो बोरिंग भी जिस हिसाब से धरती को छलनी करने का काम किया गया वो इस कॉलोनी में देखने को मिलता है। और उस पानी में भी, नालियों का पानी, कई बार ऐसा होता है कि जब चूहे वगैरह नाली खोद जाते हैं तब यह पानी जो है, नालियों का पानी भी नलों के माध्यम से उसमें आने लगता है। हम लोग बाहर से पानी लेकर आते हैं और उस पानी को हम लोग पीने के उपयोग में लाते हैं, और जो यहाँ का बोरिंग का पानी है उसको हम दैनिक दिनचर्या में उपयोग करने का काम करते हैं। बोरिंग का पानी जो है वो प्रदूषित आ रहा है, जिससे बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं, लोगों को घुटनों में दर्द हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, महिलाओं के बहुत समस्याएं इस प्रकार की सामने आ रही हैं। और जब भी बात करते हैं किसी भी डॉक्टर से इस विषय पर, तो उनका यही कहना रहता है कि पानी अच्छा पीजिए। अब पानी, आरओ का पानी से हम सारा उपयोग तो कर नहीं सकते, आरओ का पानी निरंतर पीने से भी नुकसान करता है, यह बात भी सामने आती है। और आज इतने पास में होते हुए भी अगर हम नर्मदा जल लाइन नहीं है यहाँ हमारे ना, तो ये कहीं ना कहीं बिल्डर की गलती और निगम प्रशासन की गलती से ये चूक हुई है, जो आगामी दिनों में मेरे को लगता है कि ये सुधार जल्द से जल्द और यथाशीघ्र होगा। आपका नाम? जीतू कटारे। ये थी आज की खबरें।
और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।